इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर साइंस काइनमेटिक्स पार्ट टू। पार्ट वन में हमने आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के 20 क्वेश्चन बताए, साथ ही आपको विमाओं के और मात्रक के चार्ट दिए आपको, जिससे आप वो याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज के इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा काइनमेटिक्स, जिसमें आपके 5 न्यूमेरिकल हैं और 5 थ्योरी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, आप सिलेबस देख लीजिए जल्दी से। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट पहला टॉपिक था, इसके बाद दूसरा टॉपिक है काइनमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम काइनमेटिक्स के 10 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पुनः 1 किलोमीटर चलता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए, अ मैन वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आर फॉर 1 किलोमीटर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे आपको V1 और V2 दिया हुआ है, D1 और D2 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे V पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिए, D नंबर पे इंग्लिश वाले में किलोमीटर सेकेंड इनवर्स है, तो इसको किलोमीटर आवर इनवर्स कर लीजिए, गलती से लिख गया है। किलोमीटर पर घंटा होगा, आवर इनवर्स उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 सही है। और कैसे सही है इसका, थोड़ा सा आप सॉल्यूशन देख लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग आपसे पूछा गया है, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यूज आपके पास क्या हुई हैं, क्या दी हुई हैं, D1 इक्वल दिया हुआ है, D2 इक्वल दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूले, इसको फॉर्मूले पे रख देंगे, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2 है ना। तो देखिए समय तो दिया नहीं हुआ है, T1 कहीं पे नहीं दिया हुआ, लेकिन T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है D अपन V, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे, यहाँ से हम T1 और T2 निकाल लेंगे आसानी से, और T1 T2 निकाल के हम यहाँ पे इसके मान रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 अपान T1 की जगह पे हो जाएगा D1 अपान V1, और T2 की जगह पे हो जाएगा D2 अपान V2। और यहाँ पे हम D1 D2 V1 V2 चारों की वैल्यू हमारे पास है, और इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 2। एक कण नियत त्वरण से, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, और वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी देख सकते हो, जब तक आपको समझ नहीं आता आप उसको देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। एक कण नियत त्वरण से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, VT इक्वल दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, और VT प्लस 1 इक्वल दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है T1 प्लस सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, VT इक्वल 100 मीटर पर सेकेंड एंड VT प्लस इक्वल 150 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग T प्लस 1 सेकेंड। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, 125 मीटर इसका सही जवाब होगा। दूरी पूछी गई है तो 125 मीटर होगा, और कैसे होगा इसका भी थोड़ा सा आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए हमसे दूरी डिस्टेंस पूछी गई है, तो गति का पहला फार्मूला क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। तो उससे हम A का अगर वैल्यू निकालें तो A बराबर V माइनस UT हो जाएगा, V बराबर U प्लस AT होता है, तो A बराबर V माइनस U अपान T हो जाएगा। इसके बाद स्टेप सेकेंड देख लीजिए, जो दूसरा तीसरा जो गति का समीकरण होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2As है ना, इससे हम S निकाल लेंगे। हमें S ही चाहिए, S चाहिए, दूरी निकालनी है तो S चाहिए। तो S बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, S बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान 2A हो गया। अब S हमें निकालना है, V हमारे पास है, ये देखिए V बराबर 150 मीटर पर सेकेंड है, और U बराबर 100 मीटर पर सेकेंड है, T 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे आपसे दूरी पूछी गई है, तो आप यहाँ पे A हमें चाहिए केवल, तो A हम यहाँ से रख देंगे, V और U की वैल्यू रख देंगे, T की जगह पे वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे हम T प्लस 1 रख के, और इसको यहाँ से सॉल्व कर दे, A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जिससे हमारी दूरी सॉल्व होके निकल आएगी 125। देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे बता देता हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्टेप 1 पहले करिए, सारे वैल्यू इसमें रखिए, स्टेप 1 A निकालिए, फिर इसके बाद स्टेप 2 करिए, और इसमें सारे वैल्यू रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर 125 मीटर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक कण द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग,
मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द पार्टिकल, ये फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर को देख के आपको अधिकतम वेग निकालना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर पर सेकेंड इसका अधिकतम वेग होगा। कैसे होगा ये हिंट दे रखा है, देखिए वी बराबर एरिया अंडर ए माइनस टी ग्राफ, ए माइनस टी ग्राफ मतलब इतना है ना, तो इसका हमें वेग निकालना है, सॉरी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही इसका अधिकतम वेग होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 × 12 × 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन सारे प्रॉब्लम के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर आर, यहाँ पे आप वेक्टर लगा लीजिए आर के ऊपर, वेक्टर आर बराबर 4t² है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, 4t² आई कैप प्लस 2t j कैप, मीटर समय t बराबर 3 सेकेंड पर वेग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए, वेक्टर आर इक्वल 4t² है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4t² आई कैप प्लस 2t j, मीटर फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम t = 3 सेकेंड। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन, वेक्टर आर इक्वल 40² आई कैप प्लस 2j मीटर, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t = 3 सेकेंड। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको जो r है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, जब इसको एक बार अवकलन कर देंगे, दूरी का जब एक बार अवकलन किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो वो वेलोसिटी वेग हो जाता है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ये कर देंगे 20, इसको सॉल्व करके 24i + 2j हो जाएगा है ना। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमें vx निकालना होगा, तो वी एक्स एक्स एच पे हमें वाई इक्वल जीरो करना होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 24 निकल के आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे हमें निकालना होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा है ना। इसके बाद चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, वी इक्वल अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर है ना, ये फार्मूला है, इसमें आपको मान रख देना, वी एक्स और वी वाई का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 24.08, और यहाँ पे 24.0 के आसपास लगभग में यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, एक दो बार सॉल्व करेंगे 100% आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, दी गई कौन सी राशि समान वृत्ति गति के दौरान नियत रहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभिकेंद्र त्वरण वेग आवेग चाल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी मोमेंटम स्पीड, चार ऑप्शन आपके पास, आपको सही जवाब देना, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गतिमान पिंड की दूरी कभी नहीं हो सकती है, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी धनात्मक तथा शून्य, देखिए धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, इनमें से कोई नहीं, पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, निगेटिव एंड जीरो, नन ऑफ दीज। तो देखिए गतिमान पिंड की दूरी कभी नहीं हो सकती है, धनात्मक हो सकती है पर शून्य नहीं हो सकती है, ठीक, तो ये आंसर गलत हो गया। इसके बाद धनात्मक हो सकती है पर ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक तथा शून्य, तो ये ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गतिमान पिंड की दूरी कभी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकती है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किसी पिंड की प्रक्षेप गति होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, नन ऑफ दीज। किसी पिंड की प्रक्षेप गति होती है एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, इनमें से कोई नहीं, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू डायमेंशन, द्विविमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रक्षेप गति के ऊपर जाने की गति के दौरान वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है, घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, इंक्रीजेज, स्टेज फिक्स्ड या कॉन्टेंट कॉन्स्टेंट रहता है,
या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, आपको अगर कम आता है तो कमेंट में जरूर दीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस घटता है। प्रक्षेप गति के ऊपर जाने पर गति के दौरान वेग का ऊर्ध्वाधर घटक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सिद्धांत की गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, सिद्धांत है कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरते सभी पिंड समान नियत रूप से त्वरित होते हैं। ये खोजा गया था एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, सर आइजेक न्यूटन के द्वारा, और गैलीलियो गैलीली के द्वारा। द थ्योरी दैट ऑल द ऑब्जेक्ट फॉलिंग ग्रेविटी एक्सिलरेट एट सेम कॉन्टेंट रेट वॉज डिस्कवर्ड बाई एल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक, सर इशेक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसलिए है। चलिए इसके बाद में मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उससे आप अगर उससे समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं समझा नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो सिद्धांत है ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यदि हम एक चट्टान और कंकड़ को निर्वात में एक साथ गिराएं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हम एक चट्टान और कंकड़ को निर्वात में एक साथ गिराएं, निर्वात में एक साथ गिराएं, तो जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा? इफ वी ड्रॉप अ रॉक एंड अ स्मॉल पेबल इन वैक्यूम विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। चट्टान कंकड़ दोनों एक ही समय में वे गिरेंगे ही नहीं। आपको रिप्लाई जरूर करना है, जिसको भी फिजिक्स आती है उसको लगता है कि हाँ हमें भी फिजिक्स आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है, कि जब हम एक चट्टान को या उस कंकड़ को निर्वात में एक साथ फेंकते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा, चट्टान आएगा या कंकड़ आएगा। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करिए, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक ही समय में आएंगे, चट्टान भी और साथ में कंकड़ भी। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ आपको, वरना आप कंफ्यूज में रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, f बराबर एम ए, तो a बराबर f अपॉन m, f बराबर जी एम एम आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल m है चट्टान का भार और स्मॉल m है जो कंकड़ का वेट है, भार है। तो यहाँ पे हम f अपॉन m अगर निकालते हैं इससे, तो यहाँ पे एफ अपान एम आएगा जी एम अपान आर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया, ये दोनों समीकरण बराबर हैं, तो एफ अपान ए इधर भी है, सब हटा देता हूँ, एफ अपान ए ये है, एफ अपान ये है, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हुई। तो ए बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ए बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो छोटा द्रव्यमान है ये यहाँ पे नहीं है, मतलब त्वरण द्रव्यमान पर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से आपके दोनों जो पत्थर हैं वो एक ही टाइम पे आएंगे, यहाँ पे वजन मैटर नहीं करता है। समझने की कोशिश करिएगा, मैंने तो आपको बता दिया, ज़्यादा नहीं बता सकता डिटेल में, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो लंबी करो, डिटेल से बताओ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्यों डिटेल में कर रहा है, केवल आंसर आंसर बता, मैं तो कन्फ्यूज हूँ इतना सारा बोलते। तो मैं अपने तरीके से, मुझे जो लगता था मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको करके देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप सिलेबस पे देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा, और उसकी वीडियो आपको कल शाम 6 बजे मिल जाएगी, या 6 के आसपास, लेट हो जाती है तो उसी टाइम पे आपको 6 के आसपास जरूर मिल जाएगी। बस यार, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।